महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे अब जो है अचानक से अपना घर छोड़कर बाहर निकले तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एक बड़ा कदम उठा लिया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पिछले काफ़ी टाइम से इनको लेकर देखा जा रहा है कि एक के बाद एक बड़े कदम ये जो है अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उठा रहे हैं। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुंबई में उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। पवार जो है गुरुवार शाम शिंदे से मिलने वर्षा बंगले पहुंचे थे। हालांकि बैठक का उद्देश्य किसी भी दल द्वारा नहीं बताया गया, लेकिन जहां तक सत्ता की राजनीति का संबंध है, हालिया राजनीतिक पृष्ठभूमि इसे अधिक प्रमुखता देती है। महाराष्ट्र में सत्ता हस्तांतरण के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात भी है। बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के एक प्रमुख व्यक्ति छुट्टी पर विदेश में गए हैं, यानी कि मुंबई छोड़कर इस टाइम उद्धव ठाकरे विदेश में छुट्टी पर निकले हुए हैं। ठाकरे छुट्टी पर परिवार के साथ हैं और उनके जून के पहले सप्ताह के बाद मुंबई लौटने की उम्मीद है। और इस बीच में शरद पवार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाकर एकनाथ शिंदे के साथ में जाकर मुलाकात करना कहीं न कहीं आने वाले टाइम पे राजनीति और भी ज़्यादा गर्मा सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि बैठक मंत्रिमंडल के लंबित विस्तार या ईडी द्वारा एनसीपी नेताओं में चल रही जांच से संबंधित हो सकती है। विशेष रूप से 2019 में शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन को समाप्त कर दिया था और कांग्रेस और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। एकनाथ शिंदे द्वारा पार्टी को विभाजित करने और नई सरकार बनाने के लिए भाजपा के साथ हाथ मिलाने के बाद पिछले साल सरकार गिर गई थी। और अब जो है इधर एकनाथ शिंदे लगातार शरद पवार को भी अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले टाइम पे क्या ये चीज़ें जो है उद्धव ठाकरे के लिए भारी पड़ सकती है या नहीं, और शरद पवार आगे क्या कदम उठाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।